मैं गांव से बिलोंग करता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज भी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं, वो भी मैं अपने खेत साइड से आकर के शूट कर रहा हूं। मेरा पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो भी मैं अपने छत से वीडियो बनाया करता था। और आज मेरे चैनल पर 9000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मेरा चैनल भी मोनेटाइज है। और अभी हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था कि मेरे चैनल का गूगल एडसेंस पिन आ गया है। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस पिन जो आता है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आता है, गूगल के द्वारा उसको भेजा जाता है। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना सब कुछ होगा, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी अच्छा ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सब मिलाकर के कि गांव से ही बिलोंग करने वाली अपने ही यूट्यूब समाज की मशहूर यूट्यूबर शिवानी कुमारी, यूपी के कानपुर की रहने वाली एक गाँव की लड़की, जिनका सिलेक्शन बिग बॉस OTT 3 में हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि एक गांव की रहने वाली लड़की एक वीडियो बनाकर फेमस हुई और आज टीवी की सबसे बड़े शो बिग बॉस में जाकर परफॉर्मेंस करने वाली है। ये है सोशल मीडिया का ताकत, ये है सोशल मीडिया का पावर। इसके बारे में जब शिवानी कुमारी से पूछा गया, वो इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, तो वो उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो गाँव वाले जो गाँव के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा जोर शोर करने लगे और इसका विरोध करने लगे। गांव वालों ने कहा और बोलना शुरू किया कि अब ये नचनिया काम करेगी, इसके कारण हमारे भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। गांव वालों ने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन शिवानी कुमारी कहती हैं कि मुझे किसी की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। हाँ, मैं परेशान हुई। और उन्होंने बताया कि गुस्से में आकर उनकी माँ ने उनके पेट में चाकू भी घोंप दिया था और रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगी। उन्होंने आगे बताया कि माँ की वजह से मैंने 1 महीने तक वीडियो नहीं बनाया, फिर हिम्मत उन्होंने दिखाई, फिर दोबारा शुरुआत किया और आज उनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गांव की लड़की इतना बड़ा सफर तय करके टीवी शो में पहुंच गई। अगर उसने भी कभी ये सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद आज वो इस मुकाम पर न होती। ये होती है सोशल मीडिया का पावर। आप मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत करते रहो। आपका जिस भी फील्ड में रुचि हो, उसी फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर अच्छा हो गया तो अच्छा कहेंगे, मुझे पता था कि ये अच्छा करेगा। अगर सफलता नहीं मिली तो कहेंगे, मैंने तो पहले ही बोला था कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने गोल पर टारगेट करो। सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक गांव की जो लड़की थी वो वीडियो बनाई, वीडियो बना करके फेमस हुई और आज OTT बिग बॉस OTT 3 में उनका सिलेक्शन हुआ है और ये अपने आप में एक गर्व की बात है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।